નમસ્કાર ઝી 24 કલાક સાથે હું આપની સાથે જોહી સૌથી પહેલા વાત અમદાવાદમાં હાર્દિક પટેલના ઉપવાસનો મામલો સ્વામી અગ્નિવેશે હાર્દિક પટેલની મુલાકાત લીધી મુલાકાત લઈને તેના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા પ્રમોદ કૃષ્ણમાએ પણ હાર્દિકની મુલાકાત લીધી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે હાલ હાર્દિક પટેલના ઉપવાસનો મામલો सरकार से अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है किसानों की कर्जा माफी को लेकर समाज के आरक्षण को लेकर और उनके साथीदार की जेल मुक्ति को लेकर आप इस आंदोलन को कितना समर्थन करते हो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का रवैया सरकार का सामने आ रहा है देखिए कि आज मैं और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हम सब दूसरे सब काम छोड़ करके केवल इसीलिए आए थे कि हम बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से भी चिंतित थे और देश में जितने और लोगों से हमने बातचीत की अभी हमने बातचीत की थी हमारे एक और साथी कन्हैया कुमार जी छात्र नेता जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद और तमाम और बड़े बड़े नेता लोग हम वहाँ गए थे गौरी लंकेश के पहली पुण्यतिथि पर बेंगलोर और सबकी ये हार्दिक इच्छा थी कि ये नौजवान इनके जीवन की रक्षा होनी चाहिए संघर्ष तेज होना चाहिए तो इसी संकल्प को लेकर के कि आज हम आएंगे और हार्दिक हमारे बेटे के समान है हमारे भाई के समान है उसको हम खूब अच्छी तरह समझाएंगे और अपने हाथों से ही हम उसको जूस पिला करके और आगे उसकी लड़ाई को तेज करने के लिए कहेंगे लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से हम उससे बहुत प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर के मैं बैठा हूं और यदि गुजरात की सरकार ये समझती है कि वो मुझे मार डालें या कुछ करें और मैं वैसे ही छोड़ दूं ये नहीं हो सकता मुझे उन किसानों के लिए जिनकी कर्ज माफ़ी की बात मैं उठा रहा हूं और जो समान शिक्षा का एक समानता का जो हमें संविधान में न्याय की बात कही गई है उसको लागू कराने के लिए आरक्षण की तरह यदि इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमें और हमारे साथी जो जेल में उनको छुड़ाने के लिए उसमें जब तक कोई सकारात्मक सरकार वादा नहीं करती तब तक मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के रखूँगा उसके उस संकल्प से उसके इस दृढ़ इच्छा शक्ति से हम प्रभावित हुए हैं और हमें ये लगता है कि वो एक बहुत बड़े उत्सर्ग की तरफ एक बहुत बड़े बलिदान की तरफ इतनी कमजोरी के बावजूद जिसमें बातचीत करने में भी दिक्कत आ रही है और एक तरह से वो पड़े हॉस्पिटल में और ये तो शुक्र मानिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए वरना सरकारी हॉस्पिटल में